हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फराह। आज हम बनाएंगे मसाला मैगी। देखिए इसमें ये किस तरह से बनाई जाती है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मसाला मैगी के इंग्रेडिएंट्स। देखिए, हमें चाहिए उसके लिए बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, लहसुन, हींग, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर, टमाटर सॉस, सोया सॉस और बटर और मैगी। मैगी का बड़ा वाला पैकेट 10 रुपीज़ वाला, ये देखिए। और अब हमने उसमें घी यूज़ किया है। अब हम पहले घी गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम फ्राई करेंगे प्याज को और फिर उसके साथ हम डाल देंगे उसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हरी मिर्च को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम उसके अंदर गार्लिक डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब उसके अंदर हम बारीक कटी हुई हरी प्याज डालेंगे। अब इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे लगभग 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस। देखिए, उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और फिर उसके अंदर डालेंगे कम से कम थोड़ा सा पानी पकने के लिए 1 कप पानी हम डालेंगे उसके अंदर। फिर हम जो हमने मैगी का पैकेट लिया है 10 रुपीज़ वाला, हम उसे अच्छे से निकाल कर पीसेस करेंगे, उसके 4 पीसों में उसको अलग अलग कट करके और फिर उसको गलने देंगे पानी के अंदर ही। उसको अच्छा पकने देंगे 2 मिनट तक के। ये देखिए किस तरह से हमारा पानी बॉईल हो रहा है और पूरा मसाला हमारी मैगी के अंदर चढ़ रहा है। हमें बड़े बड़े ब्रेक 4 ब्रेक्स ही करने हैं, हमें ज़्यादा छोटे टुकड़ों में उसे नहीं करना है। देखिए, हमारी मैगी लगभग थोड़ी सी आधी पकने आए जब हमें उसके अंदर सॉस मिला देना है, टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस कम से कम हम उसमें 4 से 5 चम्मच टीस्पून हम उसके अंदर डालेंगे। ऊपर से हमने बॉटल से डाला है, आप 4 से 5 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। अब उसको 2 चम्मचों के हेल्प से हम उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हम किस तरह से उसे मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना। अब हमें इसे पकने देना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मैगी मसाला जो पैकेट के अंदर आता है वो उसके अंदर हम स्प्रिंकल करेंगे, है ना। हम पहले से नहीं डाल रहे हैं ताकि उसका टेस्ट ना जाए, इसलिए ये 10 रुपीज़ बड़ा वाला पैक था, इसलिए इसके अंदर 2 तो आए हैं मसाला पैकेट। हम उसको डाल करके अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हमारे लिए मैगी लगभग गल चुकी है तो सब अलग अलग हो रही है। हमने उसे ढककर 2 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और पूरी मैगी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, हमारी मसाला मैगी लगभग पकने आई है। थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर और बचा है, थोड़ी सी देर हम इसे और खुला पकने देंगे। ये देखिए, हमारी मैगी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम ये हमारी मैगी पक चुकी है। हमने जो अमूल बटर जो चीज़ के वो थे क्यूब्स, हमने उसको कट कर दिया है। चीज़ को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में कट करा है और अब हम उसको स्प्रेड करेंगे मैगी के ऊपर। और फिर ये देखिए, हम तो इसे ढक्कन ढक के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। पहले तो मैगी के अंदर थोड़ा सा ढक्कन ढक कर हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे चीज़ को, कि चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए, लगभग हमारा चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया है मैगी के अंदर। अब हम इसे सर्व करेंगे बाउल में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा हमें मेल्ट नहीं करना है चीज़ को, थोड़ा मेल्ट करना है। वो गर्म रहेगा तो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके एक बाउल के अंदर सर्व करेंगे। आप भी इसे अपने घर पर बनाइए और टेस्ट करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट करवाइए और हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।